हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आपके। तो बच्चों स्वागत करते हैं एक और प्यारे से सेशन के अंदर। तो बच्चों चैप्टर चल रहा है हमारा थी एंटरप्राइज मार्केटिंग, और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक छोटा सा टॉपिक दैट इज सेल स्ट्रेटेजी। बच्चों लास्ट क्लास के अंदर हमने चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वाला टॉपिक कर लिया था, प्लेस मिक्स कर लिया था। फिर तो मैं आपको बोला था प्रमोशन वाला जो टॉपिक है ये नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट कराएंगे। इन्होंने देखो आगे भी दे रखा है, दिस विल बी डिस्कस डिटेल इन प्रमोशन स्ट्रेटेजी। बस ये अभी नेक्स्ट क्लास से अपन इसको देखना चालू कर देंगे। मुद्दे की चीज पर आते हैं। मुद्दे की चीज हमारे पास क्या, सेल्स स्ट्रेटेजी। बच्चों एक ये सेल्स स्ट्रेटेजी है, और हमने चैप्टर की स्टार्टिंग की पहली डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। अगर आपको याद हो, याद नहीं तो दिखा दे। ये देखो, ये देखो, ये देखो, आराम से देखो, ये देखो, ये हमने स्टार्टिंग इस पर्टिकुलर टॉपिक से कहा था, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से। तो ध्यान रखना, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी एंड सेल स्ट्रेटेजी आर टू डिफरेंट थिंग। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या बोलता है कि आपको अपनी सेल्स को इंक्रीज कराना है और एडवांटेज ले, ठीक है ना। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ये बोलता है। अब बात करते हैं सर, ये सेल्स स्ट्रेटेजी क्या होता है। तो सेल्स स्ट्रेटेजी का सिंपल सा मीनिंग ये है कि कंपनी के ब्रांड को एक पोजीशन पर लेकर आना। क्या बोला मैंने, कंपनी के ब्रांड को एक अच्छे पोजीशन पर लेकर आना है, प्लस आपको क्या करना है, एक एडवांटेज लेना है कस्टमर के अगेंस्ट में। क्या बोला मैंने, आपको एक क्या करना है, कंपनी के ब्रांड को एक पोजीशन पर लेकर आना है, और दूसरा आपको दूसरे कंपटीटर के अगेंस्ट में क्या होना है, एक एज पर आना है, एक एडवांटेज पर आना है। ध्यान रखना, एक सक्सेसफुल जो स्ट्रेटेजीज होती है किस पर हेल्प करती है, कि हमारा टारगेट कस्टमर कौन है। क्या बोला मैंने, हमारा टारगेट कस्टमर कौन है, और हम उनसे किस तरीके से कम्युनिकेट करने वाले हैं, किस तरीके से अपने प्रोडक्ट के बारे में बताने वाले हैं, किस तरीके से उनको कन्विंस करने वाले हैं कि वो हमारा प्रोडक्ट जो है वो खरीदे। इसके लिए अपने को अपनी सेल्स टीम जो होती है उसको बहुत अच्छे से ट्रेन करना। कैसे ट्रेन करना पड़ेगा, उनको हमारे प्रोडक्ट के बारे में इन एंड आउट सब कुछ पता होना चाहिए। हमारा प्रोडक्ट क्या है, कैसे है, क्या वो कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, उसमें क्या खूबियां हैं, बाकी दूसरों से किस तरीके से हम बेहतर हैं, ये सारी बातें उनको पता होंगी। प्लस उनको ये भी कन्विंस करना पड़ेगा किस तरीके से वो हमारे कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। अगर वो ये कन्विंस करने में अगर सक्सेसफुल हो गए तो हमारे प्रोडक्ट की जो सेल होगी वो बहुत ज्यादा ही। क्या दे रखा है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को पता होना चाहिए हमारा प्रोडक्ट या सर्विस क्या है, और कैसे वो प्रॉब्लम कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। क्लियर हो गया, वेरी वेरी गुड। और एक और चीज उन्होंने बात बोली है, एक अच्छी स्ट्रेटेजी क्या बताती है कि सेल फोर किस कस्टमर पे ध्यान दे किस टाइम पर। हो सकता है कि आप किसी भी कस्टमर को जाके प्रोडक्ट बेचने को चले गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको पहले से पता होना चाहिए कौन से समय पे कौन से कस्टमर को आपको अपना टारगेट करना है जिससे वो आपका प्रोडक्ट खरीद ले। सेल्स जो बच्चों होती है सबसे दुनिया का सबसे टफ काम होता है, और सबसे ज्यादा रिवॉर्डिंग काम भी ये होता है। आपने सेल्स करना सीख लिया, और आपने कस्टमर से बात करना सीख लिया, अपने कस्टमर को कन्विंस करना सीख लिया, आपसे ज्यादा अमीर व्यक्ति कोई नहीं हो। और इस देश में सबसे बड़े सेल्समैन कौन होते हैं बताऊं, कंपनी के मालिक, सीईओस, क्योंकि तो उनकी इमेज पर सबसे ज्यादा प्रोडक्ट बेचे। वेरी वेरी गुड। चलिए अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये सेल्स स्ट्रेटेजी की सिग्निफिकेंस क्या है, ये जरूरी क्यों है। अब देखो इसके अंदर हम किस चीज पर फोकस करते हैं, हम ये स्ट्रेटेजी जो बना रहे हैं, इसकी प्लानिंग कर रहे हैं, इसकी क्रिएट जिसको बना रहे हैं, इसका मेन फोकस क्या है। इसका मेन फोकस है कि अपने को ये चेक करना है कि हमारी लॉन्ग टर्म सेल्स गोल कितनी है, लॉन्ग टर्म में अपनी कितनी सेल्स करना चाहते हैं, हमारी बिजनेस साइकिल कैसी है, हमारी कब सेल कौन से मंथ में ज्यादा होती है, कौन से मंथ में कम होती है, कब कस्टमर हमारे पास ज्यादा आता है, कब कस्टमर हमारे पास कम आता है, ये सारी चीजें। प्लस हमको ये देखना होगा जो हमारी सेल्स टीम्स हैं उनके क्या करियर गोल्स हैं। एक अच्छी स्ट्रेटेजी क्या बोलती है, कंपनी का भी फायदा हो, कस्टमर का भी फायदा हो, और जो उसको बेचने वाला एम्प्लॉय हो उसका भी फायदा। जब तक तीनों लोग नहीं जीतेंगे तब तक आपकी कंपनी सक्सेसफुल नहीं हो सकती, अब तक आपका प्रोडक्ट नहीं बिक सकता। अगर एक भी जना दुखी है, अगर एक भी जना दुखी है तो सब लोग दुखी हो जाएंगे। अगर एम्प्लॉयज को अच्छी सैलरी नहीं मिल रही, अच्छा इंसेंटिव नहीं मिल रहा तो वो बेचेंगे नहीं, कंपनी को प्रॉफिट नहीं मिल रहा तो कंपनी प्रोडक्ट बनाया कि नहीं, कस्टमर को अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं मिलेगा कस्टमर प्रोडक्ट खरीदेगा, एक बिगड़ा तो सब बिगड़ जाएंगे। तो ये एक अच्छी सेल्स स्ट्रेटेजी में तीनों चीजें होनी चाहिए, हमारी सेल्स साइकिल क्या, हमारे गोल्स क्या, कस्टमर हमारे जो सेल्स पीपल है उनको क्या फायदा मिलने वाला है। क्लियर हो गया। इसके थ्रू जब हम ये सारी चीजें करते हैं तो अपने को पूरी डिटेल नॉलेज मतलब मिल जाती है, क्या सेल्स किस कौन से टर्म्स पे कौन से इंटरवल पे सेल ज्यादा होती है, कौन से कम होती है, कौन
कौन से सीजन में हमारी सेल चेंज हो जाती है, और ये सब जब अपने कस्टमर को पता होता है, सॉरी जब हमारी जो सेल्स टीम को पता होता है, तो उनको मोटिवेट होता है कि इस मंथ में ज्यादा टारगेट अचीव होने वाला है, उनको पहले से ही पता है कि इस महीने में तो हम धमाल करने, तो ये सारा खेल सेल्स स्ट्रेटेजी का ही होता है। चलिए अब आते हैं मेन टॉपिक में, दैट इज टाइप्स ऑफ सेल्स स्ट्रेटेजी। बच्चों इसको लगा लो VIP, अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आया तो इसमें ये क्वेश्चन जरूर होगा। ठीक है बच्चों, दो तरीके की सेल्स स्ट्रेटेजी होती है। कितने तरीके की? दो तरीके की सेल्स स्ट्रेटेजी होती है, एक होती है हमारे पास डायरेक्ट सेल्स स्ट्रेटेजी और एक होती है हमारे पास इनडायरेक्ट सेल्स। डायरेक्ट सेल्स स्ट्रेटेजी में क्या होता है, अपने कंपटीटर की बुराई कर, मतलब देखो उस प्रोडक्ट में ये है, देखो हमारे में कितना बेहतर, उसमें देखो ये है, उसमें देखो हमारे में देखो कितना अच्छा, उनमें देखो ये चीज नहीं है, हमारे में देखो ये चीज है, मतलब हम डायरेक्टली कंपेयर कर रहे हैं अपने कॉम्पिटिटर को और उससे अपने आप को ऊपर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इन शॉर्ट हम एक उसकी नेगेटिव इमेज बना रहे हैं, ये बात समझ, इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट सेल्स स्ट्रेटेजी। अब इनडायरेक्ट सेल्स स्ट्रेटेजी के अंदर बच्चों क्या होता है कि हम किसी की बुराई नहीं कर रहे, हम क्या बोल रहे हैं, ये फीचर आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, किसी भी बंदे के किसी भी कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट में नहीं, हमने किसी का नाम नहीं लिया, किसी की बुराई नहीं करी, हमने क्या बोला कि हम उनसे बेहतर क्यों है, हमारे अंदर ऐसा क्या यूनिक है जो उनके पास नहीं है, उसको उनको क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट सेल्स स्ट्रेटेजी। इसको हम पॉजिटिव सेल्स स्ट्रेटेजी, पॉजिटिव अप्रोच भी बोलते हैं, ये बात समझ में। डायरेक्टली कंपेयर करके बुराई करना नेगेटिव, मतलब उसको डायरेक्ट सेल्स स्ट्रेटेजी बोलते हैं, और अपनी बढ़ाई करना, अपना बताना कि हम उनसे बेहतर क्यों है, हमारे में ऐसा क्या जो उनमें नहीं है, विदाउट टेकिंग देयर नेम, वो क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट सेल्स स्ट्रेटेजी। देखो एक बार रीड कर लो, सेल्स पीपल अटैक द कॉम्पिटिशन वाइल टॉकिंग टू कंज्यूमर, वो उनके फीचर्स को बताते हैं और फिर अपने से कंपेयर करते हैं, इसको नेगेटिव सेलिंग भी। ठीक है दूसरा हमारे पास क्या है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, उन फीचर्स उन बेनिफिट्स को बताते हैं जो कॉम्पिटिटर्स के पास नहीं है और उनका हम नाम नहीं लेते, इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव सेल स्ट्रेटजी। ये बात समझ में आ गई? तो बच्चों अगर अभी तक इस जो मैंने टॉपिक आपको पढ़ाया उसमें अगर सवाल आया तो सवाल क्या आएगा, डिफाइन सेल्स स्ट्रेटजी एंड डिफाइन टाइप्स ऑफ सेल्स स्ट्रेटजी, सिग्निफिकेंस वाला उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक, ग्रीड लगा लेना लेकिन उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं। चलो आगे बात करते हैं। अब आता है कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स स्ट्रेटजी। सेल्स स्ट्रेटजी के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, पहला हमारे पास जो मेन फीचर आ रहा है वो है प्रोडक्ट प्लेसमेंट, और एक हमारे पास है प्रमोशन, एक हमारे पास है टेस्टिमोनियल्स, और एक हमारे पास है कोर सेलिंग स्ट्रेटजी। बच्चों सेलिंग स्ट्रेटजी के अंदर सेलिंग स्ट्रेटजी तो होगी लेकिन इसके अलावा और क्या क्या होना चाहिए, पहला प्रोडक्ट प्लेसमेंट या प्रमोशन, किस तरीके से अपन अपने प्रोडक्ट को मार्केटिंग करने, किस तरीके से कस्टमर तक अपने प्रोडक्ट की अवेयरनेस फैलाएंगे, किस तरीके से कस्टमर को पता लगेगा कि भैया हमारे नाम का एक प्रोडक्ट मार्केट में है, उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट प्लेसमेंट और प्रमोशन। ये बात समझ में आ गया? इसके लिए हम सोशल मीडिया यूज कर सकते हैं, इसके लिए हम इन्फ्लुएंसर यूज कर सकते हैं, इसके लिए हम होर्डिंग्स यूज कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनसे हम क्या लेंगे, फीडबैक लेंगे, उन फीडबैक को क्या बोला जाता है, टेस्टिमोनियल्स बोला जाता है, कि प्रोडक्ट ऑलरेडी टेस्टेड है, ऑलरेडी कस्टमर ने इसको यूज कर रखा है और ये रहा इसका प्रूफ। तो अगर हमने अपने कस्टमर के टेस्टिमोनियल्स को दिखाया तो लोगों को भरोसा हो जाएगा कि हाँ भाई ये लोग अच्छे प्रोडक्ट बेचते हैं। तो सेल्स स्ट्रेटजी के अलावा ये तीन चीजें और होनी चाहिए, प्रोडक्ट प्लेसमेंट, प्रमोशन एंड टेस्टिमोनियल। तो ये घुमा फिरा के बस उन्होंने यही एक बात बोली है, क्या बोली है, प्रोडक्ट प्लेसमेंट और प्रमोशन से क्या होगा, ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट होगी जिससे कस्टमर को पता लगेगा कि ये प्रोडक्ट भी होता है। क्लियर हो गया? कस्टमर टेस्टिमोनियल से अब जो होगा वो ऑलरेडी टेस्ट हो जाएगा कि हाँ भाई अच्छा प्रोडक्ट है और अच्छा प्रोडक्ट वो बेचना चाहे। क्लियर हो गया? वेरी वेरी गुड। अब एक बात आती है कि सर ये सेल्स स्ट्रेटेजी काम क्या करती है। देखो ये कुछ भी हो, कोई भी बेचने वाला होता है ना, जैसे मैं अगर मैं अपनी बात करूं, मैं अगर मुझे कंपेयर करना हो तो मैं क्या करूंगा, एक एक्स टीचर की वजह, एक्स टीचर आपको ये नहीं कराता मैं कराता हूँ, वो एक्स टीचर ये नहीं कराएगा मैं वो कराता हूँ, तो मतलब मैंने क्या किया, डायरेक्ट सेल्स स्ट्रेटजी फॉलो करी। अच्छा मैं बोल रहा हूँ ये लेक्चर जैसा मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है, या ये जो मैंने आपको पूरी एंटरप्रेन्योरशिप लाइन बाय लाइन समझा रहा हूँ, आप यूट्यूब पे देख लो, किसी भी टीचर ने नहीं करा, तो मैं वहां पर किसी की बुराई नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर अपनी भलाई कर रहा हूँ। मेरा ये चैनल का यूनिक फीचर है, मैं यहाँ पर एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन समझाता हूँ, चाहे वो बिजनेस स्टडीज हो चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप, बाकी और कोई नहीं करता। देख लो, आप चेक कर लो जाकर, आप जो आपको अच्छा लगे चेक करो। तो मैंने किसी की बुराई नहीं करी, मैंने अपनी पॉजिटिवली तारीफ करी। तो मतलब ये कि आप कोई भी कंपनी हो, वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को ही लेकर चलते हैं। देखो दो तरीके के कस्टमर होते हैं, एक होता है कस्टमर को लेकर आना और एक होता है जो हमारा एग्जिस्टिंग कस्टमर है वो जाला ना जाए, उसको रोके रखना, ये दो अलग अलग बातें होती है।
तो नए कस्टमर को बताना होता हमारा एक नया प्रोडक्ट है, ये अभी खरीद सकते हो, ये करिए वो करिए, अच्छा प्रोडक्ट है उसमें डायरेक्ट सेल डायरेक्ट दोनों लगी। लेकिन जो हमारा एग्जिस्टिंग कस्टमर, हम ये नहीं चाहते वो लौट कर जाए, तो अपन क्या करेंगे उसको इंसेंटिव देंगे, उसको बेनिफिट देंगे, उससे बोलेंगे तू और कस्टमर को लेकर आ, हम तुझको बेनिफिट देंगे, हम तुझे सामान देंगे, हम तुझे डिस्काउंट देंगे, समझ में आई चीज, हम उसको अवार्ड देंगे। तो ये सारी चीजें किसके अंदर आती है, सेल्स स्ट्रेटेजी के अंदर आती है। तो वही घुमा फिरा के पूरे पैराग्राफ में पढ़ रखा है, क्या दे रखा है भैया, कस्टमर एक्विजिशन और कस्टमर रिटेंशन जो अलग अलग बातें होती हैं। रिटेंशन मतलब को रोके रखना, पोटेंशियल कस्टमर को अपने को बताना पड़ता है कि ब्रांड क्या है, प्रोडक्ट क्या है, कैसे उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। और जो हमारा करंट कस्टमर है उसको पर्सनल कम्युनिकेशन तो और प्यार से बोलना पड़ेगा कि हाँ भाई कैसे तरीके से उसको हम डिस्काउंट दें जिससे वो और कस्टमर को लेकर आए और अपने को और सेल दे। क्लियर हो गया? ओके। अब एक होता है कंसिडरेशन, कंसिडरेशन मतलब कौन कौन सी बातों को अपने को ध्यान में रखना पड़ता है वाइल मेकिंग अ सेल्स स्ट्रेटेजी। पहले उन्होंने क्या दे रखा है, आपको मार्केट की नॉलेज होनी चाहिए, आपको कंपटीटर क्या कर रहा है उसकी नॉलेज होनी चाहिए, करंट में ट्रेंड क्या चल रहा है उसकी नॉलेज होनी चाहिए, और आपको अपने बिजनेस की डिटेल नॉलेज होनी। तो बस अच्छा एक चीज और उधर बोला है कि पहली बार अगर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो तो भाई किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले लेना, खुद दिमाग मत मारना, एक दो बार आप सीख लो किसी की हेल्प की वजह से, उसके बाद में खुद चालू कर। क्लियर हो गया? वेरी वेरी गुड। तो जो आज के लेक्चर के इतना ही रखेंगे, हमने सेल्स स्ट्रेटेजी पढ़ी। सेल्स स्ट्रेटेजी क्या होती है कि अपने को एक ब्रांड पोजीशन करना है और कॉम्पिटेटिव एडवांटेज लेना है। दो टाइप की होती है हमारे पास, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। कॉम्पोनेंट्स क्या होते हैं हमारे पास, प्रोडक्ट प्लेसमेंट, प्रमोशन, टेस्टिमोनियल्स और को सेलिंग स्ट्रेटेजी। बस इतना ध्यान में रखो काफी है। ठीक है, तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्लास में मिलता है। होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और जो पढ़ रहा है उसके साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।